to online classes of DBS International School. This is your new chapter that is cyber threat and security. And in this video, we are going to learn some basic concepts related to cyber. Okay. So before starting, we should know what is cyber. सबसे पहले हमें समझना होगा कि cyber क्या होता है. ठीक है. तो जो term cyber है, इसको हम relate करें. ये relation में use होता है. जब हम computers, information technology और virtual reality को एक साथ collect करते हैं. जो कनेक्शन होता है इंटरनेट इको में वो एक साइबर स्पेस क्रिएट करता है और ये थ्रेट होता है कि जो साइबर स्पेस हमने क्रिएट किया है उसमें कुछ इश्यूज आएंगे और जिसके कारण ज़रूरत पड़ी कि हमें हाँ साइबर सिक्योरिटी की ज़रूरत है कि कोई डेटा मान लो हमने साइबर स्पेस में सेव किया हुआ है तो वहाँ पे कहीं कोई अनऑथराइज पर्सन उस, उस स्पेस में जा डेटा को एक्सेस ना कर ले थ्रेट क्या क्या हो सकते हैं साइबर स्पेस में सबसे पहला जो थ्रेट होगा इंटर कनेक्टेड कनेक्ट टेडनेस ऑफ सेक्टर्स फिर इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ़ एक्सपोजर पॉइंट्स एंड कॉन्सनट्रेशन ऑफ एसेट्स, ठीक है जो साइबर अटैक होता है कभी कभी क्या होता जो है जो हमारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशनस होती हैं या जो हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती हैं या बिजनेस इंफॉमेशन जिनको हम नहीं चाहते कि कोई दूसरा भी उसको जाने उसके बारे में तो उसको भी क्या करती है एक्सपोज़ कर देती है तो इससे हमारा जो कॉन्फिडेंशल डेटा होता है वो नॉर्मल यूज़र तक भी पहुँच जाता है जो हम लोग नहीं चाहते फिर साइबर सिक्योरिटी की ज़रूरत क्यों पड़ी जो साइबर थी। सिक्योरिटी होती है वो प्रोटेक्ट करता है साइबर स्पेस को साइबर सिक्योरिटी साइबर स्पेस को प्रोटेक्ट करता है ठीक थी। है फिर किन किन चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है सबसे पहले साइबर अटैक्स की कोई अटैक ना हो पाए उन पर फिर डैमेज टू साइबर स्पेस साइबर स्पेस को कोई डैमेज ना हो मिस ना कर ले कोई भी डेटा जो हमने साइबर स्पेस में रखा हुआ है फिर इकनॉमिक इस्पॉनेज साइबर सिक्योरिटी एवोल्यूशन की बात करें कि धीरे धीरे साइबर सिक्योरिटी कैसे खुद को इवॉल्व किया जैसे साइबर अटैक का इन कह लो आप इंट्रोडक्शन हुआ साइबर सिक्योरिटी को भी बनाया गया उसी टाइम पे क्योंकि दोनों क्या हैं डिपेंडेंट हैं तो ये टेब, कुछ ये स्टेबल आपको दिख रही होगी स्टेबल में मेंशन किया गया कैसे साइबर सिक्योरिटी ने ख़ुद को इन्वॉल्व किया सबसे बड़ा इशू था वायरस वायरस के आते ही क्या हुआ हमें साइबर सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ी क्यों क्योंकि वायरस क्या करता था हमारे डेटा को डिलीट कर देता था हमारे डेटा मॉडिफिकेशन कर देता था बिना हमारे प्रायर इन्फॉर्मेशन के या एक्सेस के तो नाइनटीन नाइन्टीज में वायरस आना शुरू हुए तो साइबर सिक्योरिटी की क्या ज़रूरत हुई कि हाँ इस वायरस को क्या करना में कंट्रोल करना है तो उसके लिए उन्होंने क्या बनाया एंटी वायरस बनाए और फायर बनाए फिर 2000 में आए तो 2000 में उन्होंने वाम्स स्टार्ट किए वम्स को बचने के लिए यहाँ पे क्या हुआ इंट्रूजन डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन स्टार्ट हुआ फिर बॉटनेट्स टू थाउजेंड्स एंड प्रजेंट अभी तक चल रहा है तो उससे बचने के लिए हम डीएलपी डी एल पी फायर सिम इन सब का यूज़ किया फिर ए पी टी इसने बचने के लिए हमने नेटवर्क फ्लो एनालिसिस किया ठीक है फिर साइबर थ्रेट और सिक्योरिटी की बात करें तो देर आर टाइप्स ऑफ साइबर अटैक जो एक पीरियड ऑफ टाइम पे क्या हुए इवॉल्व हुए जैसे सबसे पहले बात करते हैं वायरस की वायरस क्या है एक ऐसा मालवेयर है जो खुद को रेप्लिकेट करता है मतलब खुद की कॉपीज़ बनाता है और अपने आप को स्प्रेड करता है अपने आप को स्प्रेड कैसे करेगा उसकी जो कॉपीज़ बनाई हुई उसने उसको दूसरे कोड या दूसरे डॉक्यूमेंट में रखेगा जहाँ पर वो क्या हो एग्जीक्यूट हो और वो और से और ज़्यादा से ज़्यादा कॉपीज़ बनाएँ दूसरा हैकिंग वेबसाइट एक जो अनथराइज एक्सेस होता है किसी वेबसाइट को जो किसी पर्सनल को बिलोंग कर रही होगी या प्रोफेशनल स्पेस को बिलोंग कर रही होगी मलेसियस कोडट्स ये एक तरह का सिक्योरिटी थ्रेट होता है जहाँ पे एक कोड आपको प्रेजेंट होगा किसी सॉफ्टवेयर में जो जिसके कारण आप उस पर जब वो कोड अप्लाई करोगे तो जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हो जाएंगे या आपकी जो सिक्योरिटी सिस्टम होगी वो ब्रीच कर जाएगी या डैमेज कर देगी आपके सिस्टम को एडवांस वॉम एंड रोजन ये अगेन एक तरह का मॉलवेयर जो कैम फ्लॉज कर देगा रेगुलर सॉफ्टवेयर को हालांकि जब ये एक बार एक्सेस हो जाता है ये डैमेज कर देता है हार्ड ड्राइव को बैकग्राउंड सिस्टम को और जो हमारी करप्ट एलोकेशन सिस्टम है उसको भी क्या कर देता है वो ख़राब कर देता है फिर आइडेंटिटी थेफ्ट एंड फिशिंग ये एक तरह का साइबर अटैक है जिसमें फ्रॉडेंट ईमेल्स पोजिंग अथोराइज इंटिटीज़ इसलिए किया जाता है कि इसमें जो पीपल इन्वॉल्व होते हैं उनको उनकी रिवील इन्फॉर्मेशन रिवील की जाए ठीक है तो ये क्या ये अलग अलग तरह के अटैक्स थे फिर साइबर अटैक्स इंडिया में बात करते हैं जो टॉप मोस्ट कॉज होते हैं साइबर अटैक के वो क्या होते हैं फिशिंग एंड सोशल इंजीनियरिंग मेलवेयर स्पीयर फिनिशिंग डिनाइल ऑफ सर्विसेज आउट ऑफ डेट सॉफ्टवेयर रैंसम ओके साइबर अटैक्स इंडिया की बात कर ले कोरोना वायरस पैंडेमिक बेस्ड साइबर अटैक माइक्रोसॉफ्ट ने रिपोर्ट किया है ये रिपोर्ट डाला है कि जो साइबर क्रूक् थे उन्होंने कोविड नाइन्टीन सिचुएशन का यूज़ फ़ायदा उठाने के लिए उन्हें डीफ्रॉड किया पीपल को फिशिंग और रैम्प इन इंडिया इन द वर्ल्ड फिशिंग यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हिस्ट इन जुलाई ट्वेंटी सिक्सटीन ये देख रहे हैं आप लोग ये अलग अलग तरह के क्या हैं अटैक्स हैं जो इंडिया में हुए ठीक है नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे आई होप यहाँ तक सब समझ में होगा। इन केस कोई प्रॉब्लम तो यू आर फ्री यू कैन आस्क इन ग्रुप थैंक यू